छात्रों जो अगर हमारा अगला जो पॉइंट है वो है महाभारत कालीन आर्थिक स्थिति, अर्थात महाभारत काल के अंदर जो आर्थिक स्थिति किस प्रकार की थी उसके बारे में देखते हैं। महाभारत काल में आर्थिक स्थिति मजबूत थी, महाभारत काल में लोगों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ थी, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ सुदृढ़ थी। महाभारत काल में लोगों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ थी, लोग सोने चांदी पन्ना हीरा माणिक्य मूंगा आदि धातु व रत्नों के आभूषण पहनते थे। आंतरिक व विदेशी व्यापार विकसित अवस्था में था, विकसित अवस्था में था, विकसित अवस्था में था। छात्रों जो महाभारत कालीन आर्थिक स्थिति है, आर्थिक स्थिति अत्यंत समृद्ध थी, अत्यंत ही मजबूत थी ये, और महाभारत काल में लोग जो सोने के आभूषण पहनते थे, चांदी के आभूषण पहनते थे, तथा जो मूल्यवान जो रत्न थे जैसे पन्ना हीरा माणिक्य मूंगा इस प्रकार के कई जो रत्न थे उन मूल्यवान रत्नों के आभूषण भी धारण करते थे। व्यापार था, व्यापार आंतरिक अर्थात भारतवर्ष के अंदर ही व्यापार होता था, विदेशों से भी व्यापार होता था। इस प्रकार से जो आंतरिक व्यापार है, आंतरिक व्यापार भी महाभारत काल के अंदर सुविकसित था। छात्रों अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो अगला जो बिंदु हमारा महाभारतकालीन सामाजिक स्थिति, महाभारतकालीन सामाजिक स्थिति। छात्रों इसमें हम देखते हैं महाभारतकालीन सामाजिक स्थिति की स्त्रियों की स्थिति ऋग्वेदिक तथा ऋग्वेदिक उत्तर वैदिक व रामायण काल जैसी नहीं थी, काल जैसी नहीं थी। स्त्रियों की स्थिति में भारी गिरावट आई, भारी गिरावट आई। स्त्रियों को शिक्षा प्रदान की जाती थी, नृत्य संगीत व्याकरण वेद पुराण की शिक्षा व सैनिक शिक्षा
स्त्रियां प्राप्त करती थी। प्रशासन में स्त्रियां भाग लेती थी, वाद विवाद में स्त्रियां भाग लेती थी, वाद विवाद में स्त्रियां भाग लेती थी। बाल विवाह पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। वन व्यवस्था कर्मों के आधार पर थी। वन व्यवस्था का स्वरूप जटिल हो गया, वन व्यवस्था का स्वरूप जटिल हो गया। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य ब्राह्मण थे, परंतु क्षत्रिय का काम करते थे, भीष्म पितामह तत्व ज्ञान के उपदेशक थे। महाभारत काल में माता यशोदा देवी की रोहिणी जामवती सत्यभामा सुभद्रा रुक्मणी गांधारी कुंती द्रौपदी उत्तरा माद्री जैसी कई आदर्श नारियां थी, आदर्श नारियां थी। धर्मराज के अवतार विदुर
विदुर वह विदुर वह युधिष्ठिर थे। युधिष्ठिर थे धर्मराज के अवतार। युधिष्ठिर थे जो सदा धर्म में चलते थे, जो सदा धर्म पर चलते थे। बहु विवाह, अंतर जातीय विवाह, स्वयंवर विवाह, राक्षस विवाह, राक्षस विवाह, दानव विवाह, सजातीय विवाह, सजातीय विवाह, अनुलोम प्रतिलोम विवाह, अनुलोम प्रतिलोम विवाह, राक्षस विवाह, असुर विवाह का प्रचलन था, का प्रचलन था। छात्रों, जो महाभारत कालीन जो सामाजिक स्थिति है, सामाजिक स्थिति के अंतर्गत छात्रों की स्त्रियों की जो स्थिति है, स्त्रियों की स्थिति अब ऋग्वेदी कालीन तथा उत्तर ऋग्वेदी कालीन जैसी नहीं थी और ना ही ये रामायण काल जैसी थी। छात्रों, अब स्त्रियों की स्थिति में भारी गिरावट जो आई। छात्रों, सामाजिक जो स्थिति, सामाजिक स्थिति के अंतर्गत स्त्रियां शिक्षा प्राप्त करती थी, नृत्य संगीत व्याकरण वेद पुराण की शिक्षा ग्रहण करती थी, वाद विवाद के अंदर स्त्रियां भाग लेती थी तथा प्रशासन के अंदर भी ये जो कार्य करती थी। छात्रों, बाल विवाह पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, विधवा विवाह होते थे तथा इसके अतिरिक्त जो वर्ण व्यवस्था कर्मों के आधार पर थी, वर्ण व्यवस्था प्राचीन वर्ण व्यवस्था थी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। अब ये जो वर्ण व्यवस्था थी ये कर्मों के आधार पर थी, परंतु अब जो इस वर्ण व्यवस्था में जटिलता विद्यमान होने लगी। छात्रों, तथा जो द्रोणाचार्य तथा कृपाचार्य जो ब्राह्मण थे, इन ब्राह्मणों ने महाभारत के युद्ध के अंदर जो क्षत्रिय का कार्य किया, अर्थात द्रोणाचार्य कृपाचार्य नाम के जो ब्राह्मण थे ये अब ये क्षत्रिय का काम भी करते थे। तो छात्रों, कर्मों के आधार पर जिस प्रकार का कर्म करेगा उसी प्रकार के वर्ण के अंदर वो ढल जाएगा, उसे वो उस वर्ण का वो हो जाएगा। परंतु वर्ण व्यवस्था में अब जटिलता आने लगी। भीष्म पितामह तत्व ज्ञान के उपदेशक थे, महाभारत ग्रंथ के अंतर्गत बताया गया छात्रों की भीष्म पितामह थे, भीष्म पितामह तत्व ज्ञान के उपदेशक थे। महाभारत काल के अंदर माता यशोदा, देवकी, रोहिणी, जामवती, सत्यभामा, सुभद्रा, रुक्मणी, गांधारी, कुंती, द्रौपदी, उत्तरा, माद्री जैसी कई जो आदर्श नारियां थी तथा धर्मराज के अवतार, महाभारत के अंदर जो धर्मराज का अवतार बताया गया वो विदुर को बताया गया तथा युधिष्ठिर विदुर तथा जो युधिष्ठिर थे युधिष्ठिर को धर्मराज का अवतार बताया गया है। महाभारत काल के अंदर बहु विवाह अर्थात एक से अधिक पत्नी रखने की प्रथा थी। तो दूसरा जो एक पत्नी जैसे बहु पति विवाह भी इसके अंदर देखा गया है। जैसे द्रौपदी के 5 पति थे तो ये बहु पति विवाह हो गया। एक पुरुष की एक से अधिक पत्नियां थी तो ये बहु विवाह हो गया तथा जो द्रौपदी के एक से अधिक पति थे तो ये बहुपति विवाह अर्थात बहु विवाह का प्रचलन था, बहुपति विवाह का प्रचलन था, स्वयंवर प्रथा का इसके अंदर प्रचलन था, राक्षस विवाह का प्रचलन था, अशुभ विवाह का प्रचलन था, अंतर जातीय विवाह होते थे, सजातीय विवाह होते थे, गांधर्व विवाह यहाँ होते थे, अनुलोम विवाह तथा प्रतिलोम विवाह भी होते थे। स्वयंवर प्रथा के अंतर्गत क्या था छात्रों की, स्वयंवर प्रथा के अंतर्गत जो कन्या अपनी इच्छा से अपने पति का चुनाव करती थी, इसके अंतर्गत कई बार स्वयंवर प्रथा के अंतर्गत कई शर्तें भी रख दी जाती थी। जैसे जो महाभारत काल के अंदर जो अर्जुन थे, अर्जुन ने मछली की आंख के अंदर निशाना साधा और निशाना साध कर क्या किया, उन्होंने जो
मछली की आंख के अंदर निशाना साधा और मछली की आंख के अंदर निशाना साध कर उन्होंने क्या किया कि द्रौपदी का द्रौपदी को द्रौपदी से स्वयं उन्होंने किया। राक्षस विवाह भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी का हरण करके ले गए और इसी प्रकार से जो भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा थी उसका हरण अर्जुन करके ले गए। तो ये राक्षस विवाह भी होते थे। अनुलोम विवाह, उच्च जाति का जो पुरुष था वो निम्न जाति की कन्या से विवाह करता था तो ऐसा अनुलोम विवाह कहलाता था। प्रतिलोम विवाह, जब निम्न जाति का पुरुष उच्च जाति की कन्या से विवाह करता था तो ये प्रतिलोम विवाह कहलाता था। तो अनुलोम विवाह भी प्रचलित थे और प्रतिलोम विवाह भी जो महाभारत काल के अंदर प्रचलित थे। इसके अतिरिक्त विधवा विवाह होते थे, नियोग प्रथा भी इसके यहाँ पर पाई जाती है। अर्थात पुत्र प्राप्ति पति की मृत्यु हो जाने पर और पति की मृत्यु हो जाती थी तब उसकी पत्नी पुत्र प्राप्ति के लिए अपने देवर या अपने सगोत्री किसी भी व्यक्ति के साथ में जो समागम करके पुत्र उत्पन्न कर सकती थी। इसके अतिरिक्त गांधर्व विवाह, मतलब आजकल का जो प्रेम विवाह है वो प्राचीन समय के अंदर गांधर्व विवाह कहलाता था। तो गांधर्व विवाह का प्रचलन भी जो महाभारत काल के अंदर था। सजाति विवाह, अपनी ही जाति के अंदर विवाह होता था, अपनी जाति के अंदर विवाह करने की प्रथा थी। अंतर जाति विवाह, अपनी जाति के अलावा दूसरी जाति के अंदर विवाह करने की परंपरा भी जो महाभारत काल के अंदर थी। तो इस प्रकार से छात्रों जो सामाजिक स्थिति है और इसके अतिरिक्त महाभारत काल में कई बुराइयां का प्रचलन हो चुका था, जैसे जुआ खेलना, द्वित जो क्रीडा थी तो जुआ खेलना, इस प्रकार की जो ये दास प्रथा विद्यमान थी, जुआ खेलना भी यहाँ जुआ खेलने का प्रचलन था। मदिरा पान का सेवन किया जाता था, शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार के जो भोजन किए जाते थे। तो इस प्रकार से जो छात्रों तो ये महाभारत कालीन जो सामाजिक स्थिति थी। छात्रों अब हम देखते हैं महाभारत कालीन राजनीतिक स्थिति, महाभारत कालीन राजनीतिक स्थिति। छात्रों महाभारत काल में साम्राज्यवाद की भावना पनप चुकी थी। महाभारत काल में साम्राज्यवाद की भावना पनप चुकी थी। शक्तिशाली द्वारका, मथुरा, हस्तिनापुर, अंग, गांधार, सिंधु, मगध, अंग, गांधार, सिंधु, मगध, त्रिगत, मत्स्य, इंद्रप्रस्थ, मद्र, कलिंग, जैसे राज्य थे महाभारत काल में। महाभारत काल में
गणतंत्र, वह राजतंत्र है, राजतंत्रात्मक व्यवस्था मौजूद थी, प्रचलित थी। गणतंत्र में राजतंत्रात्मक व्यवस्था प्रचलित थी, राजसूय अश्वमेध वाजपेय जैसे यज्ञ साम्राज्य विस्तार के लिए किए जाते थे, राजा की मृत्यु के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र ही राजा बनता था। राजा के पुत्र के योग्य होने पर दूसरा पुत्र राजा बनता था। उदाहरण के लिए धृतराष्ट्र बनता था, ज्येष्ठ पुत्र था परंतु अंधा था। इस पर इसके छोटे भाई पांडु को राजा बनाया गया। छात्रों, महाभारत कालीन जो राजनीतिक स्थिति है, राजनीतिक स्थिति के अंतर्गत कि महाभारत काल में साम्राज्य विस्तारवादी भावना का विकास हो चुका था। शक्तिशाली द्वारिका राज्य मथुरा, हस्तिनापुर, अंग, गांधार, सिंधु, मगध, त्रिगत, मत्स्य, इंद्रप्रस्थ, मद्र, कलिंग जैसे कई राज्यों का यहाँ पर विकास हो चुका था। गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था विद्यमान थी, साथ ही राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था भी यहाँ पर विद्यमान थी। साम्राज्य विस्तार के लिए महाभारत काल में राजसूय यज्ञ करवाया जाता था, अश्वमेध यज्ञ करवाया जाता था, वाजपेय यज्ञ करवाया जाता था, बड़े बड़े यज्ञ जो साम्राज्य विस्तारवाद के लिए करवाए जाते थे छात्रों। साथ ही जो महाभारत काल के अंदर राजा की मृत्यु के बाद में उसका ज्येष्ठ पुत्र ही राजा बनता था, परंतु यदि ज्येष्ठ पुत्र अयोग्य होता था तो उसके स्थान पर अन्य व्यक्ति को भी शासक बनाया जा सकता था। जैसे उदाहरण के लिए महाभारत काल के अंदर जो धृतराष्ट्र था, धृतराष्ट्र ज्येष्ठ पुत्र था परंतु ये आंखों से अंधा था, इसलिए यह अयोग्य माना गया इसे, और इसके छोटे भाई पांडु को राजा बना दिया गया। तो इस प्रकार से छात्रों जो महाभारत काल था, महाभारत काल के अंदर जो राजनीति की व्यवस्था थी छात्रों, अब हम देखते हैं महाभारत का साहित्यिक महत्व है। महाभारत का साहित्यिक महत्व छात्रों, जो महाभारत का साहित्यिक महत्व है उसके बारे में देखते हैं छात्रों कि
महाभारत ग्रंथ में छंदों, महाभारत ग्रंथ में छंदों शब्द शक्ति छंदों शब्द शक्ति रसों अलंकारों रसों अलंकारों का प्रयोग किया गया है। रसों अलंकारों का प्रयोग किया गया है महाभारत संस्कृत भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। भाव भाषा के दृष्टिकोण से प्रकृति चित्रण एवं नारी सौंदर्य का चित्रण किया गया है। भक्ति श्रृंगार विभत्स प्रेम वात्सल्य करुणा रौद्र श्रृंगार शांत वीर रसों का प्रयोग किया गया है। उत्प्रेक्षा यमक अनुप्रास अलंकारों का अधिक प्रयोग किया गया है। छात्रों, साहित्यिक दृष्टि से महाभारत जो ग्रंथ है, महाभारत ग्रंथ का अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान है और महाभारत ग्रंथ में छंदों का प्रयोग किया गया है, शब्द शक्तियों का प्रयोग किया गया है, रसों का प्रयोग किया गया है, अलंकारों का इसमें प्रयोग किया गया है। महाभारत जो ग्रंथ है, महाभारत ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। भाव भाषा के दृष्टिकोण से प्रकृति चित्रण एवं नारी सौंदर्य का चित्रण किया गया। इसमें क्या किया गया है? भाव भाषा के दृष्टिकोण से प्रकृति चित्रण एवं नारी सौंदर्य का इसमें चित्रण किया गया है। भक्ति रस, श्रृंगार रस, विभत्स रस, प्रेम रस, वात्सल्य करुणा रौद्र शांत वीर, इसमें कौन कौन से रसों का प्रयोग किया गया है? भक्ति श्रृंगार विभत्स प्रेम वात्सल्य करुण रौद्र तथा शांत और वीर रसों का इसके अंदर प्रयोग किया गया है। उत्प्रेक्षा अलंकार, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार, यमक अलंकार, अलंकार तथा अनुप्रास अलंकारों का इसमें जो अधिक प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से ये जो भाषा
महाभारत जो है ये इसके अंदर शब्द शक्तियों का अभिधा लक्षणा और व्यंजना तीनों शब्द शक्तियों का कौन कौन सी अभिधा शब्द शक्ति व्यंजना शब्द शक्ति और लक्षणा शब्द शक्ति का इसके अंदर प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से जो महाभारत ग्रंथ है महाभारत ग्रंथ की जो भाषा शैली है सटीक भाषा शैली इसकी स्पष्ट भाषा शैली है। तो छात्रों जो महाभारत जो ग्रंथ है जो इसका साहित्यिक रूप से अत्यंत ही भारतीय संस्कृति के अंदर महत्व है। छात्रों महाभारत में आदर्श महाभारत में आदर्श महाभारत में आदर्श भगवान श्री कृष्ण को नारायण महाभारत में नारायण का अवतार माना गया है। भगवान श्री कृष्ण को महाभारत में नारायण का अवतार माना गया है तथा विदुर महाभारत में विदुर व युधिष्ठिर को युधिष्ठिर को धर्मराज का अवतार माना गया है। विदुर धर्म नीति राजनीति विदुर धर्म नीति राजनीति का ज्ञाता बताया गया है। ज्ञाता बताया गया है ज्ञाता बताया गया है युधिष्ठिर में धर्म में बुद्धिमता युधिष्ठिर धर्म वह बुद्धिमता युधिष्ठिर में धर्म में बुद्धिमता भीम में बल भीम में बल अर्जुन में वीरता में कुशलता वीरता में कुशलता नकुल व सहदेव में आज्ञाकारिता का गुण नकुल व सहदेव में आज्ञाकारिता का गुण बताया गया है। आज्ञाकारिता का गुण बताया गया है कर्ण में मित्रता वह द्रौपदी में पतिव्रतता का गुण बताया गया है। पतिव्रतता का गुण बताया गया है। छात्रों महाभारत में जो आदर्श बताए गए अर्थात महाभारत के अंदर जो पात्र हैं ये आदर्श चरित्र आदर्श और चरित्रवान गुणों से युक्त है। छात्रों जैसे भगवान श्री कृष्ण को
भगवान विष्णु अर्थात नारायण का अवतार बताया गया है, किसमें बताया गया है, महाभारत के अंदर। तथा जो नारायण है, नारायण के अवतार बताकर नारायण के अवतार के रूप में इनकी क्या की गई है, पूजा अर्चना की गई है। छात्रों, महाभारत में विदुर व युधिष्ठिर को धर्मराज का अवतार बताया गया है, किसका अवतार बताया गया है, धर्मराज का अवतार बताया गया है। विदुर धर्म धर्म शास्त्र में, नीति शास्त्र में, राजनीति शास्त्र में पारंगत था, अर्थात विदुर को धर्म का ज्ञाता, नीति का ज्ञाता और राजनीति का ज्ञाता बताया गया है। युधिष्ठिर को धर्म व बुद्धिमता का प्रतीक बताया गया है, भीम को बल का प्रतीक बताया गया है, अर्जुन को वीरता व कुशलता का प्रतीक बताया गया है, नकुल व सहदेव में आज्ञाकारिता का गुण बताया गया है, कर्ण में मित्रता का गुण बताया गया है, द्रौपदी है, द्रौपदी के अंदर पतिव्रतता नारी का इसके अंदर गुण बताया गया है। तो महाभारत जो ग्रंथ है छात्रों, महाभारत ग्रंथ के अंदर जो आदर्श बताए गए, भगवान श्री कृष्ण को नारायण के रूप में जो पूजा की गई है, तथा जो विदुर तथा युधिष्ठिर, युधिष्ठिर को धर्मराज, विदुर और युधिष्ठिर को धर्मराज का अवतार बताया गया, युधिष्ठिर को बुद्धि तथा धर्म का प्रतीक, भीम को बल का तथा कर्ण तथा अर्जुन को वीरता व कुशलता का, नकुल सहदेव को आज्ञाकारिता का, वह कर्ण को मित्रता व द्रौपदी को पतिव्रतता का गुण बताया गया। तो इस प्रकार से जो महाभारत के जो पात्र है, महाभारत के पात्र जो हमें आदर्श जीवन जीना सिखाते हैं, उनके आदर्शों पर वर्तमान समय में भी जो भारतीय संस्कृति के अंदर जो लोग हैं, भारतीय संस्कृति के जो लोग हैं, ये वर्तमान समय में भी इन गुणों को अपनाए हुए हैं। छात्रों, अगला जो हमारा पॉइंट है वो है इसके अंतर्गत वर्णाश्रम व्यवस्था और सदाचार। वर्णाश्रम व्यवस्था और सदाचार, वर्णाश्रम व्यवस्था और सदाचार, वर्णाश्रम व्यवस्था और सदाचार। महाभारत के अनुसार, महाभारत के अनुसार, महाभारत के अनुसार समाज के चार वर्ण गुण व कर्म पर आधारित हैं। समाज के चारों वर्ण गुण व कर्म पर आधारित है, गुण व कर्म पर आधारित है। महाभारत के अनुसार, महाभारत के अनुसार महाभारत के अनुसार वर्णों की व्यवस्था गुण कर्म, वर्णों की व्यवस्था गुण कर्म, वर्णों की व्यवस्था गुण कर्म और स्वभाव पर टिकी है, न कि जाति के परंपरा पर, और स्वभाव पर टिकी है, न कि जाति, न कि जाति कुल परंपरा पर, जाति कुल परंपरा पर। महाभारत उस कर्म नियम और आचार धर्म को मानता है, महाभारत उस कर्म नियम, महाभारत उस कर्म नियम आचार धर्म को मानता है, आचार धर्म को मानता है, आचार धर्म को मानता है, जिसका केंद्र बिंदु मनुष्य है, जिसका केंद्र बिंदु मनुष्य है। छात्रों, वर्णाश्रम व्यवस्था के अंतर्गत बताया गया है कि
वर्णाश्रम व्यवस्था और सदाचार महाभारत के अनुसार समाज के चारों वर्ण गुण में कर्म पर आधारित है, अर्थात जिस प्रकार के गुण होंगे, जिस प्रकार के कार्य करेगा, जैसे उनके कर्म है उसी के अनुसार जो चारों वर्णों को बताया गया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये अपने गुणों पर तथा अपने कर्मों के अनुसार जो ये बनते हैं, ना कि जन्म के आधार पर। छात्रों, महाभारत के अनुसार वर्णों की व्यवस्था गुण कर्म और स्वभाव पर टिकी है, न कि जाति कुल परंपरा पर। महाभारत कहता है कि वर्ण है, वर्ण क्या है कि उनका गुण कैसे हैं, उनके कर्म कैसे हैं, उनका स्वभाव कैसे है, इस पर जो वर्ण व्यवस्था टिकी हुई है, ना कि जो जाति व्यवस्था या उनकी कुल परंपरा उन पर। महाभारत उस कर्म नियम आचार धर्म को मानता है जिसका केंद्र बिंदु मनुष्य। महाभारत मनुष्य के आचार धर्म तथा उसके नियमों को, उसके मनुष्य के कर्म नियम आचार धर्म को मानता है जो मनुष्य पर टिका हुआ है। अर्थात महाभारत उस कर्म को, अर्थात उस कार्य को, उस नियम, उस आचार, उस धर्म को मानता है जो कि मनुष्य से संबंधित हो। तो छात्रों, वर्णाश्रम व्यवस्था और सदाचार व्यवस्था के अंतर्गत बताया गया है कि महाभारत के अनुसार समाज के चारों वर्ण गुण व कर्म पर आधारित है। महाभारत के अनुसार वर्णों की व्यवस्था गुण कर्म और स्वभाव पर टिकी है, न कि जाति व कुल परंपरा पर टिकी है। महाभारत उस क्रम नियम आचार धर्म को मानता है जिसका केंद्र बिंदु मनुष्य है। अगला जो छात्र हमारा है, भगवत गीता दर्शन। भगवत गीता दर्शन अगला जो हमारा पॉइंट है, भगवत गीता दर्शन। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कि कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। जब कुरुक्षेत्र मैदान में अर्जुन का परिवार अर्जुन पारिवारिक मोह में पड़ गया, और युद्ध करने से मना करने लगा, तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र मैदान में दिया। गीता जीवन और जगत की विविध प्रवृत्तियों के संबंध में विविध प्रवृत्तियों के साथ समन्वय का अद्भुत प्रदर्शन करती हैं। समन्वय
का अद्भुत 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 प्रदर्शन करती हैं। यज्ञ को कर्म मानकर यज्ञ को कर्म मानकर यज्ञ को कर्म मानकर योग को पाली से कौशल सिद्ध करके योग को कार्य कौशल सिद्ध करके यज्ञ को कर्म मानकर योग को कार्य कौशल सिद्ध करके संन्यास को कामनाओं का त्याग बताकर संन्यास को कामनाओं का त्याग बताकर संन्यास को कामनाओं का त्याग बताकर भारतीय धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं को नई दृष्टि दी। भारतीय धार्मिक व सांस्कृतिक दृष्टिकोण को नई गति दी, नई गति दी। छात्रों, गीता भारतीय जीवन की कुंजी है। गीता भारतीय जीवन की कुंजी है। भारतीय जीवन की कुंजी है। छात्रों, जो गीता दर्शन है, गीता दर्शन के अंतर्गत बताया गया है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। जब युद्ध मैदान के अंदर अर्जुन अपने पारिवारिक मोह के अंदर पड़ गया और उसने देखा कि सामने उसके परिवार के लोग खड़े हैं, उन पर ये शस्त्र किस प्रकार से उठाए, तब भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध के समय के अंदर, महाभारत युद्ध के समय के अंदर गीता का उपदेश दिया और अर्जुन को कर्म के बारे में बताया और कहा कि कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। और अर्जुन ने जब गीता का उपदेश सुना तो वो भगवान कृष्ण के उपदेश को सुनकर और युद्ध के लिए तैयार हो गया। छात्रों, जो गीता है, गीता जीवन और जगत की विविध प्रवृत्तियों के साथ समन्वय का अद्भुत प्रदर्शन करती है। तो छात्रों, गीता जीवन और जगत की विविध प्रवृत्तियों के साथ समन्वय का अद्भुत प्रदर्शन करती है। यज्ञों को कर्म मानकर योग को कार्य कौशल सिद्ध करके, गीता क्या कहती है कि यज्ञों को कर्म मानकर योग को कार्य कौशल सिद्ध करके संन्यास और कामनाओं का त्याग बताकर भारतीय धार्मिक व सांस्कृतिक दृष्टिकोण को नई गति जो गीता ने दी है। गीता भारतीय जीवन की कुंजी है। छात्रों, जो अगला जो हमारा पॉइंट है वो पॉइंट इस प्रकार से है छात्रों कि भारतीय ज्ञान का विश्वकोश, भारतीय ज्ञान का विश्वकोश, भारतीय ज्ञान का विश्वकोश महाभारत धार्मिक एवं लौकिक भारतीय ज्ञान का विश्वकोश है। महाभारत भारतीय लौकिक व धार्मिक ज्ञान का विश्वकोश है, विश्वकोश है। महाभारत में समस्त स्मृतियों का सार, समस्त स्मृतियों
दर्शन का सार है। समस्त स्मृतियों दर्शन का सार है। अतः महाभारत को पांचवा वेद माना जाता है। पांचवा वेद माना जाता है। पांचवा वेद माना जाता है। धर्म कर्म नीति ज्ञान। धर्म कर्म नीति ज्ञान मोक्ष। मोक्ष अर्थ का उल्लेख करता है। उल्लेख महाभारत करता है। महाभारत करता है। अतः महाभारत को अतः अतः महाभारत को अतः महाभारत को धर्मशास्त्र कामशास्त्र अर्थशास्त्र दर्शन शास्त्र दर्शन शास्त्र दर्शन शास्त्र मोक्ष शास्त्र नीति शास्त्र नीति शास्त्र कहा जाता है। कहा जाता है। इस ग्रंथ में प्रवृत्ति निवृत्ति कर्म महाभारत ग्रंथ में प्रवृत्ति निवृत्ति प्रवृत्ति निवृत्ति कर्म संन्यास के बारे में सुंदर विवेचना की गई है। सुंदर विवेचना की गई है। सुंदर विवेचना की गई है। महाभारत से तत्कालीन भारतवर्ष की सामाजिक धार्मिक आर्थिक राजनीतिक स्थिति का पता चलता है। पता चलता है। छात्रों जो महाभारत जो ग्रंथ है महाभारत है ग्रंथ भारतीय ज्ञान का विश्वकोश है। महाभारत भारतीय लौकिक व धार्मिक ज्ञान का विश्वकोश ये कहलाता है तथा महाभारत में समस्त स्मृतियों का सार मौजूद है। समस्त जो दर्शन है दर्शनों का सार मौजूद है। अतः महाभारत को पांचवा वेद भी माना गया है। धर्म कर्म नीति ज्ञान मोक्ष अर्थ का उल्लेख महाभारत करता है। अतः महाभारत को धर्मशास्त्र कहा जाता है काम शास्त्र कहा जाता है अर्थशास्त्र कहा जाता है दर्शन शास्त्र कहा जाता है मोक्ष शास्त्र व नीति शास्त्र भी महाभारत को कहा जाता है। हर प्रकार के जो गुण महाभारत के अंदर विद्यमान है हर क्षेत्र को महाभारत है वो प्रभावित करता है। महाभारत में
प्रवृत्ति निवृत्ति। महाभारत में क्या बताया गया है? महाभारत में प्रवृत्ति निवृत्ति कर्म संन्यास के बारे में सुंदर विवेचना की गई है। किसके बारे में विवेचना की गई है? ये प्रवृत्ति निवृत्ति कर्म संन्यास के बारे में सुंदर विवेचना की गई है महाभारत से। तत्कालीन भारत की सामाजिक आर्थिक धार्मिक राजनीतिक स्थिति का पता चलता है। इस प्रकार से छात्रों जो महाभारत जो ग्रंथ है महाभारत जो ग्रंथ है भाग का भारतीय साहित्य के अंदर भारतीय संस्कृति में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। महाभारत जो ग्रंथ है इसके अंदर जो पांडवों का और भगवान श्री कृष्ण का आदर्श चरित्र चित्रण प्रस्तुत किया गया है, साथ ही भगवान श्री कृष्ण की सहायता से पांडवों द्वारा जो अत्याचारी कौरव थे उनका वध करना भी इसके अंदर बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा के शासक कंस का वध करके लोगों को कंस के आतंक से मुक्ति प्रदान की। इसके साथ ही छात्रों जो महाभारत जो ग्रंथ है महाभारत ग्रंथ में जो भीष्म पर्व है इसमें भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए अर्जुन को जो गीता उपदेश दिया गया उसके बारे में बताया गया है। महाभारत ग्रंथ कर्म को प्रधान बताता है, कर्म करते रहो फल की इच्छा मत करो, इस बात का जो उल्लेख भगवत गीता के अंदर हमें प्राप्त होता है। तो छात्रों जो महाभारत है विश्व का सबसे जो बड़ा ग्रंथ है विश्व का ये तथा इस ग्रंथ के अंदर 100,000 श्लोक महाभारत जो ग्रंथ है इसमें संस्कृत भाषा में 100,000 श्लोक हैं तथा इस ग्रंथ की जो रचना की है महर्षि भगवान वेदव्यास द्वारा इस ग्रंथ की रचना की गई थी। भगवान वेदव्यास को कृष्ण तथा देवायन के नाम से भी जाना जाता है तथा ये जो ग्रंथ है छात्रों महाभारत ग्रंथ में हमें वर्णाश्रम व्यवस्था की जानकारी मिलती है, भगवत गीता दर्शन के बारे में इसके अंदर जानकारी मिलती है। इसके अतिरिक्त महाभारत से हमें तत्कालीन भारतवर्ष की सामाजिक आर्थिक धार्मिक व राजनीतिक स्थिति का पता चलता है। तो इस प्रकार से छात्रों ये हमारा जो आज का ये प्रश्न है ये आपका टॉपिक हमारा भारतीय संस्कृति में महाभारत का योगदान ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। धन्यवाद।